नमस्कार दोस्तों, रैलीवुड यूट्यूब चैनल पे आपका सभी का स्वागत है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों यहाँ से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिए ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो TVS क्रेडिट यानी TVS से यदि आपने कोई भी लोन लिया होगा, ठीक है, तो इसका TVS टू व्हीलर हो या फिर आपका कोई भी लोन हो TVS से, TVS क्रेडिट से आपने यदि लोन लिया होगा तो आप किस तरह से इनका मॉरेटोरियम ले सकते हैं, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो पे बने रहिए, हम आपको 3 से 4 मिनट मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर सारा प्रोसेस बता देंगे ताकि आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको मॉरेटोरियम बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर गूगल पर आपको सर्च करना है TVS क्रेडिट मॉरेटोरियम, ठीक है, TVS क्रेडिट मॉरेटोरियम। जैसे डालेंगे तो यहाँ पर लिखा है TVS क्रेडिट मॉरेटोरियम लिंक, इस पर कर देना है क्लिक। क्लिक करते हैं, ये जो पहला वाला जो रिजल्ट है tvscredit.com, ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा है मॉरेटोरियम ड्यू टू COVID-19 पैकेज, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये वाला PDF ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये लिखा हो ना यहाँ PDF, तो ये PDF में है। तो अब ये देखिए ये ओपन हो जाएगा, तो ये क्या किस तरह से कौन कौन से कस्टमर एलिजिबल हैं, ठीक है। ये कस्टमर एलिजिबिलिटी सबसे पहले देख लो, एलिजिबिलिटी और हम प्रोसेस बता देंगे, ठीक है। एलिजिबिलिटी यही है जो एक मार्च से पहले आपका अकाउंट जो है क्लियर होने, EMI ड्यूज ये सब क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। कोई 3 महीने से ज़्यादा कोई भी ड्यूज नहीं होना चाहिए या और आपका किसी भी तरह का कोई प्रीवियसली डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। अब देखिए जब यदि आपको लगता है ये सारा सेटिस्फैक्टरी है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उन्हें TVS वाली को TVS क्रेडिट का जो कस्टमर केयर है उनको ईमेल के थ्रू, SMS के थ्रू, ठीक है, कोई भी डिजिटल डॉक्यूमेंट ऑनलाइन या वॉइस रिकॉर्डिंग या फिजिकल डॉक्यूमेंट के थ्रू आप उनको, यानी आप ये सोच लो जो आपको कॉल करके कस्टमर केयर का कॉल करके या कस्टमर केयर का जो ईमेल आईडी है उस पर आप लिख के उनको अपना लोन डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे और आपको मॉरेटोरियम मिल जाएगा। या आप क्या कर सकते हैं, एक लेटर लिख लो प्लेन पेपर पे और प्लेन पेपर पे लेटर लिख के और उसको ईमेल कर दो आप, दैट्स इट। तो आपको वहाँ से यदि एलिजिबल होंगे तो आपको मॉरेटोरियम मिल जाएगा दोस्तों। तो ये है इनका सिंपल प्रोसेस। अब किसको नहीं मिलेगा, यदि आपने कोई फ्रॉड कर रखा है या आपका कोई केस चल रहा है NCLT में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में, ठीक है, और आपके ऑफिशियली आप बैंककरप्सी घोषित कर दिए गए हो, मतलब दिवालिया घोषित कर दिए हो दिए गए हैं, ठीक है, और आपका अकाउंट जो है NPA में चल रहा है, तो ये सारा केसेस है जो आपको जिसमें एलिजिबल नहीं है। तो दोस्तों इसका सिंपल प्रोसीजर है, आपको क्या करना है, कॉल या SMS के थ्रू आप लेना चाहें तो आप कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे ये पढ़ लीजिए, ये ईमेल, SMS, डॉक्यूमेंट, वॉइस रिकॉर्डिंग, इसके थ्रू आप इनके जो कस्टमर केयर का नंबर है उस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं और रिक्वेस्ट दे सकते हैं अपना मॉरेटोरियम के लिए, ठीक है। तो ये है इनका सिंपल प्रोसीजर। और ये देखिए ऑल सैलरीड, ये जिनका आउटस्टैंडिंग लोन्स 1 मार्च तक है वो एलिजिबल है। अकाउंट कैन बी स्टैंडर्ड, आपका अकाउंट जो है स्टैंडर्ड होनी चाहिए, ठीक है ना। और कंडीशन गवर्निंग यही है, सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, TVS का कस्टमर केयर पे कॉल कर लीजिए या ईमेल कर लीजिए, कर लो रिक्वेस्ट दे दो उनको मेल पे ही, तो आपको मॉरेटोरियम मिल जाएगा, ओके। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इसका सिंपल ही प्रोसेस है। और आप यहाँ से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कर लीजिए, यदि जिसको भी चाहिए मॉरेटोरियम, आपका कोई फ्रेंड्स हो, रिलेशनशिप में हो। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।